बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। INV सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 5 लेक्चर थर्ड पार्ट में खुश आमदीद। आज हम कोशिश करेंगे कि मेन्यू फॉर्म बनाकर थोड़ा सा एक आध फॉर्म डिज़ाइन कर लें। ये लास्ट टाइम बनाया था लॉगिन फॉर्म, इसमें इशू ये रह गया था कि टैब से नेक्स्ट विंडो पे जा रहे हैं। तो इस वर्किंग के लिए एक तो ये कि ब्लॉक राइट, अब ये किस जगह कॉल हो रहा है, इसमें एक इशू है। वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस पे कॉल हो रहा है, करंट फॉर्म नेम यूजर राइट के फॉर्म में अभी यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा, ये हम बनाएंगे। फॉर्म बन हो रहा था तो इस पर हम वर्किंग कर लेते हैं। वन कंपनी यूजर आईडी श्वेप, ऑब्जेक्ट आईडी इसमें डाल देते हैं हम इंसर्ट अलाउ एन 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 बाय एन कर देते हैं इसको भी। इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट पेरेंट की नॉट फाउंड, एक फॉरेन की लगी हुई इसमें लॉगिन यूजर से, और एक लगी हुई है कंपनी से। एफ के का एरर दे रहा है। यूजर नेम कंपनी, ओके, यूजर आईडी से की लगाई हुई है तो हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो हमने यूजर नेम में कन्वर्ट कर दिया, ये फॉर्म एक्चुअली बंद हो रहा था सेव करने पे इसी प्रोसीजर की वजह से। ये देखें फॉर्म बन हो गई।
अब मैं जस्ट इस मैंने प्रोसीजर के कोड को बंद करा, कंपाइल करा, सेव करा, ये देखिए ये खुल गया। तो इस कोड में अगर हम देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है, पी ऑब्जेक्ट आईडी शोएब आईटी कंपनी वन इंसर्ट के राइट एन आ रहे हैं, अपडेट के एन आ रहे हैं और डिलीट के एन आ रहे हैं। इधर कॉल करा हुआ है इसको, करंट फॉर्म नेम आया, ग्लोबल डॉट यूजर आईडी, ठीक है। फ्लैग बाय करके देखता हूँ और फिर इस प्रोसीजर को कोड मैंने ओपन कर दिया। ब्लॉक राइट्स ओके, अब खोलते हैं फॉर्म को। फॉर्म नहीं खुला, एक्चुअली इस कोड की इतनी नीड है नहीं, हम इसको फॉर्म लेवल पे लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेट फॉर्म प्रो गेट एप्लीकेशन करंट फॉर्म,
ये हम यूज़ इस हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज़र नेम और ब्लॉक नेम ले लेंगे हम। तो इसका हम बनाते हैं बैकअप। एक्चुअली अब ये हमें लाइब्रेरी में मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो पहले हम यहाँ पे चला के देख लेते हैं इसको मॉडिफाई करके, उसके बाद फिर हम लाइब्रेरी में इसको मॉडिफाई कर देंगे नमाज के बाद इंशाल्लाह। अच्छा सेट बिलोंग प्रॉपर्टी बीएल के नेम वर्चर टू ओके
कि अब इसको वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस पे कॉल करने की नीड नहीं। अभी जिस फॉर्म पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी तो हम वहां पर इसको ओपन कर लेंगे। फाइनली ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें जहां भी कॉल करवाना होगा वहां भी प्रोसीजर कॉल करवा लेंगे। हमें ब्लॉक नेम देना होगा, ग्लोबल डॉट यूज़र आई डी आएगी यहां पे पैरामीटर में किस यूज़र आई डी के ब्लॉक क्रिएट हैंडल करने, और ये फॉर्म का किस ब्लॉक किस यूज़र। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं। तो हमने जैसे ये काम करना है कि इस प्रोसीजर में चेंजिंग करनी है। PBL के varchar 2 और इसको डायरेक्ट मूव कर देना है सेट ब्लॉक प्रॉपर्टी पे। और हम ये प्रोसीजर वेन्यू फॉर्म इंस्टेंस पे हमने एक प्रोसीजर कॉल करवाया था उसके अंदर इस प्रोसीजर को कॉल करा था, वहाँ से इसको रिवोक कर लेंगे। वहाँ पे नीड नहीं है इसकी कॉल करवाने की। और आई थिंक अब इस ब्लॉक को कहीं और कॉल तो नहीं करवाया हुआ होगा, कहीं कॉल नहीं करवाया हुआ इस ब्लॉक को, तो इस ब्लॉक की नीड नहीं है। ये हमने इस ब्लॉक को रिमूव कर दिया। अब ये जो ब्लॉक है ये हमने कॉल करवाना होगा जिस हम वेन्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस पे कॉल करवा लेंगे, या से तो अपडेट या इंसर्ट डिलीट के राइट हैंडल कर लेगा। इसको मैं इधर कमिट कर देता हूँ।
call this procedure where required to handle user rights block level हमने कमेंट लिख दिए। अब हम लाइब्रेरी ओपन कर लेते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी अपडेट हो गई। अब हम जैसे काम ये करेंगे कि इस लाइब्रेरी को मूव कर देंगे डेवलपर सूट में फॉर्म्स के फोल्डर में। देन हम ये फॉर्म ओपन कर लेते हैं। अब जब हम ये फॉर्म ओपन करेंगे तो ये कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो गया। हमने सिर्फ लाइब्रेरी में चेंज करा है। अब ये अगर जितने भी 100 फॉर्म में भी लगा होगा तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिक कंपाइल तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक चीज़ रह गई। वो चीज़ ये रह गई कि हमें फोर्थ चौथा फॉर्म खोलते हैं, इसकी लाइब्रेरी खोलते हैं। ये प्रोसीजर हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। के बाद ही इसका इम्पैक्ट दोबारा हमने लिया इस ऑब्जेक्ट ग्रुप में। फॉर्म सेव कर दिया, लाइब्रेरी सेव कर दी। देन ये लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी उठा के दोबारा हम डेवलपर सूट फॉर्म के फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम फिर ये फॉर्म खोलते हैं और ब्लॉक राइट्स का जो एक्चुअली प्रोसीजर है वो अपडेट प्रोसीजर राइट्स ये प्रोसीजर अपडेट नहीं हुआ। ये वजह थी इसकी कि हमने इसको इनहेरिटेंस इसकी हटाई हुई थी।
तो अब खोल के देखते हैं। ओके, अब ये ओके चल रहा है, अब इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। अब हमारा जो एक मेन मसला था वो मसला ये था कि शेप डेवलपमेंट टैब दबा के नेक्स्ट ब्लॉक में नेक्स्ट ब्लॉक में आ रहा था। तो हम एक काम ये करेंगे, जस्ट हमारे पास इसके दो तीन ऑप्शन हैं, लेकिन अभी हम ये वाला ऑप्शन अवेल कर रहे हैं। सेफ और बैक का बटन उठा के हम इसके रेलेवेंट ब्लॉक में ही ले जाते हैं। तो ये जो हमारा इशू था, ये दोनों इशू हमारे रिजॉल्व हो गए। अभी बटन के आइकॉन नहीं आ रहे, इस पे वर्किंग करते हैं। इस पे वर्किंग करने के लिए हम ये आइकॉन का फोल्डर हम फॉर्म में जावा में रख देंगे। इसको यहाँ रखने के बाद सीएमडी ओपन करेंगे, रन एस एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमने एग्जीक्यूट कर देना है। नेक्स्ट फॉर्म डॉट सी एफ जी में इमेज बेस को कोड बेस करना है। ये मैंने पहले कर दिया था अभी, जैसे इंस्टॉलेशन करी इस टाइम में, और ये ऐड करना है आइकॉन्स डॉट जार। ये ऐड हो गया, उसके बाद इसमें स्टेप लिखा हुआ है, इसको कॉपी करना है। एक ये फाइल बनी है अभी, आप इसका टाइम भी देख सकते हैं, क्रिएटेड 24 अक्टूबर। इसको हमने यहाँ से हटा के
जावा इस फोल्डर में रख देना है। एंड क्लास पाथ में ये ऐड करना है। डिफॉल्ट और डीएनवी में सबसे लास्ट में एंट्री होती है क्लास पाथ की, ये रही, इसमें ये ऐड करना है। एंड जहाँ पर हमने वो आइकॉन डॉट जार फाइल अभी कॉपी करी है, ये यहाँ पर ये ओरिकल्स का फोल्डर है, फॉर्म्स रजिस्ट्री, इसमें ये ऐड कर देना है हमने। इसकी मैंने एक अलग वीडियो भी बना के डाली हुई, आप ये उसमें भी सीख सकते हैं। 12C की भी डाली हुई है वीडियो बना के, 10G की भी डाली हुई है। तो ये हमने इसके स्टेप परफॉर्म कर ली, अब OC4G स्टार्ट करते हैं, फॉर्म बिल्डर ऑन करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता है, बाज़ वक़्त नहीं आते, लेकिन बाज़ वक़्त आ भी जाते हैं। या हमारे आइकॉन डिस्प्ले हो गए इसमें, अब जो हमारा मेन टास्क है cannot read form। अगर ये फॉर्म इसको नहीं मिलेगा तो ये मैसेज देगा, हम इसकी जगह प्रॉपर और कोई मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेन्यू फॉर्म बनाने, हमने इसी फॉर्म को हम कॉपी कर लेते हैं सेव एस फाइव में। हमें इसमें जिन चीज़ों का काम नहीं है वो चीज़ें इसमें से ड्रॉप कर देंगे।
ये चीजें हमने ग्लोबल ये चीज हमने इसमें रखी हुई है, तो कोई इशू नहीं है इसका। ये दोनों चीजें यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। चेंज पासवर्ड इसका भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। मेन्यू बनाना है हमने, यूजर राइट्स को एक्चुअली हमने हैंडल करना है। यहाँ पे शो ए वाई टी आज साथ अगर मैं इसी तरीके से मेन मेन्यू बना रहा हूँ, मैं भी उस मेन मेन्यू में वो सब कुछ आएगा जो यूजर राइट्स में होगा। तो यूजर राइट्स ये हमारा टेबल है, आर डॉट ऑल कॉलम ले लेते हैं इसके, इसको कॉन्केट कर देते हैं। सिक्योरिटी मेन्यू एंड मेन मेन्यू, यहाँ से ये फॉर्म बनना है हमारा मेन मेन मेन्यू का।
हमें क्या क्या चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है इसमें से और क्या क्या चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है ये हम देख लेते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। जो हमें चीज़ें डिस्प्ले करवानी है वो एक मेन्यू ऑब्जेक्ट आईडी और मेन्यू ऑब्जेक्ट नेम। मेन्यू ऑब्जेक्ट आईडी, मेन्यू ऑब्जेक्ट नेम, इसको रख लेते हैं हम 120, इसको रख लेते हैं 400। टेबुलर स्टाइल में ले लेते हैं, मेन मेन्यू 10 रिकॉर्ड इसमें ले लेते हैं हम। ऑल ऑब्जेक्ट जितने भी हैं इस ब्लॉक पे इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट फॉल्स कर देते हैं।
Number of record displayed 10, query all record, single record. यहाँ पे अभी कोई भी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहा, जब तक हम क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कोई रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। हम ये फॉर्म लेवल पर ही इसमें कोड लगा देंगे। तो ये हमारे पास रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। अब हम इसमें करंट रिकॉर्ड विजुअल एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। अब इस पे हम अगर क्लिक करें या इस पे क्लिक करें तो अब वाले फॉर्म ओपन हो जाए। जब हम लॉगिन से आएंगे तो लॉगिन से यहाँ पर आएगा और यहाँ से इनके मेन मेन्यू पर जाएगा। तो अब हमें इसके लिए वर्किंग करनी है। When mouse double click call form
यही टिगर आप यहाँ भी कॉपी करते हैं। क्योंकि फॉर्म अभी हमने डेवलप नहीं करा है, इस वजह से ये क्यों आएगा। जिस तरह हमने लॉगिन फॉर्म से एग्जीक्यूट करा था, ये वाला फॉर्म उस वक्त बना हुआ नहीं था, तो इशू। अब हमने इसकी यूजर आईडी हैंडल करना है। इसमें डिस्प्ले वही हो जो उन यूजर के राइट में हो। जो मेन्यू ऑब्जेक्ट आईडी है कंपनी बेर आर डॉट कंपनी इक्वल आर डॉट एंड आर डॉट यूजर नेम इक्वल आर डॉट मेन्यू ऑब्जेक्ट आईडी इन हो ऑर्डर बाय क्यूरी कॉज नो रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं है इस वजह से किसी। नमाज के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। चालीस 350, इसके लिए हम मैसेजिंग करवा देते हैं ऑन मैसेजिंग ट्रिगर पर। यहाँ पर इफ एफ आर एम चालीस 350 देन
40 200 नल कर देते हैं उन्हें, एवरी टाइम यूजर के बाद शो करेगा अपडेट की राइट नहीं। चालीस दो सौ चालीस सात सौ अड़तीस चालीस सात सौ अड़तीस अब हम यूजर राइट्स में बैकएंड से यूजर को राइट दे देते हैं। अब हमारे पास ये दो फॉर्म डिस्प्ले, तीन फॉर्म डिस्प्ले अभी तो जी, नो राइट्स हैव बीन गिवन। ओके, मेन्यू ऑब्जेक्ट आईडी इन हो, इस क्यूरी को हम बाहर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तीन फॉर्म हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं।
अगर मैं यहाँ पर क्यूरी लगाऊंगा तो मुझे ये लगानी पड़ेगी। ओके, ये मेरे पास दो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। एम डॉट मैनी आई डी एम डॉट मैनी नेम। तो no rights have been given। okay। क्यूरी कॉज नो रिकॉर्ड। कि अगर हम ओके, इसकी बेसिक वजह ये है कि यहाँ पर हमने अभी हम किसी यूज़र से कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर यूज़र आईडी भी बने पर दो फॉर्म डिस्प्ले हो गए, ये हमारा मेन्यू फॉर्म रेडी हो गया। अब मेन्यू फॉर्म पर हमारे पास डॉक्यूमेंट ईयर के कॉलम की नीड नहीं है, विजिबल नो कर देते हैं। एग्जिट का बटन सिर्फ एग्जिट के बटन की जरूरत है यहाँ पे।
ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया। या इसमें दोनों चीज़ें बंद कर दें, लॉगिन का फॉर्म खोलते हैं। ये हम लॉगिन से फॉर्म पर आ चुके हैं, अब एग्ज़िट करते हैं। लॉगिन की फॉर्म पर भी हमें सिर्फ एग्ज़िट के बटन की ही नीड है। तो इस एग्जिट के बटन की भी यहाँ पर नहीं, तो ये हमारा मेन मेन्यू आ गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दो फॉर्म बनाना सीखेंगे, इन दोनों फॉर्म बनाएंगे इंशाल्लाह दोनों मेन्यू के, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट करेंगे। थोड़ा इसके ट्यूटोरियल लेंथी हैं, दो तीन लेक्चर में हमने कहा था कि शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा अगर 12-12 घंटे की आई थिंक वीडियो बना के डाली जाए तो पॉसिबल है, लेकिन अदरवाइज़ क्योंकि मैं एक एक वर्किंग आपको इसमें करके दिखा रहा हूँ, जो भी इसमें एरर आ रहा है वो भी उसी वक्त रिजॉल्व कर रहा हूँ। अगर वो मैं सब इसमें से मिनिमाइज़ कर दूँ तो मे बी पॉसिबल है कि 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक एक चीज़ डेवलप करके दिखाऊँ, ताकि जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहता है, सीखना चाहता है, वो ईज़िली इस ट्यूटोरियल को देख कर सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स।